दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बॉल टेम्परिंग विवाद पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपना मुंह खोला है। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर एक नोट्स के जरिए विश्व क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियाई फैंस से माफी मांगी है। साथ ही अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा है कि उनकी वजह से क्रिकेट को काफी नुकसान हुआ है। वार्नर ने आगे कहा है कि वो सिडनी वापस जा रहे हैं, जहां वह अपने परिवार दोस्त और भरोसेमंद साथियों के साथ समय बिताएंगे। आगे क्या होगा उसके बारे में भी वार्नर जल्द ही अपनी बात कुछ दिनों में सबके सामने रखेंगे। आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज दे दूं कि बॉल टैम्परिंग मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को कड़ी सजा दी गई है और दोनों पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक एक साल का प्रतिबंध लगाया है, जबकि कैमरन बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। डेविड वार्नर के इस ट्वीट से आशंका ये भी लग रही है कि वे अपने भविष्य पर फैसला ले सकते हैं, जिसमें उनके क्रिकेट छोड़ने जैसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में वे इस पर अपना रुख तय करें।